पहले सूर्य भगवान जी को प्रणाम कीजिए, जय सूर्य भगवान। बाकी यहाँ पे पुराने जमाने वाले मकान आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पीछे है घनाघोर जंगल। ईमानदारी बहुत महंगी पड़ गई है हमको। मैं समझ हो गया, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। ऐसा ऐसा खेत कमा रहे हैं महिला, ये है ये कमा रही है, ऐसा खेत ऐसा खेत कमाए बाबा मैं ना। बाबू कमाए तो मारते हैं जब तुम यहाँ हम बनना को फूको बैठे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम यहाँ पे दीदी लोगों के घर पे आए हैं, और यहाँ पे पार्लर का काम चल रहा है। दोपहर को लोग सोए हुए हैं और हम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर में रील आएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, वो जरूर देखना। और अभी फिलहाल सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की धूप से, यानी कि क्यों खड़े हो से। तो हम यहां कल आ गए थे, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, हमने बताया था कल हम अपनी सासू जी को छोड़ने के लिए आए थे। तो आज यही से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ के हसीन वादियों से। और यहाँ सुबह सुबह 7 बजे ही धूप लग जाती है कड़क वाली, मतलब जो जल्दी नहीं उठेगा तो बिस्तर में ही ऐसे काम तापने को मिलेगा आपको। पहले सूर्य भगवान जी को प्रणाम कीजिए, जय सूर्य भगवान। बाकी यहाँ पे पुराने जमाने वाले मकान आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पीछे है घनाघोर जंगल, ये देखिए। ये दोपहर के लिए दाल भी रख दी गई है। मार्छे वाले खेत में इसको कहते हैं मार्छा, और इसके लड्डू भी बनते हैं जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। लेकिन यहाँ पे जो मार्छा है वो खराब हो चुका है और इस पे कीड़ा लग रखा है, तो इस वजह से ये ऐसा है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ से सामने का नजारा दिखाती हूँ। और बाकी अब शुरुआत करते हैं खेत की, जो कि हमने आज मार्छा काटना है। तो सबसे पहले हम मार्छा काट देते हैं, और ये मार्छे के बचे हुए डंडे हैं उनको भी हमने आज ही निकालना है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर यहाँ आए थे। जो है वो हमने काट के रखना है अलग से, और जो मरचटे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ रहे हैं। यहाँ पे पूरी रोटी की ताकत लगा दी मैंने, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे हमारी बूढ़ी माता भी आ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हैं, अच्छे हैं, लगे हैं लगे हैं।
लगे हैं मार्चा काटने पे, मार्चा काटने पे लगे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इस तरीके से काटते हैं कुछ, और बहुत तरह से काट रहा हूँ। हाँ पर हो नहीं रखा है, कीड़ा लग गया ना, कीड़ा लग गया इसका बोलो पैसा पाएंगे वो तुमको। हाँ तुमको तो बोलो लो कीड़ा लगा तो भुंगड़ा भरे आम संजो और तुम। अच्छा ओ जिम्मेदारी वजह से। हाँ जिम्मेदारी वजह से। हाँ जिम्मेदारी वजह से मुदाम संजो और तुम। ठीक है बोल। ठीक है ससुराल के साइड ये वाला काम नहीं होता है मार्चे वाला, तो जो हमने सुबह नाश्ता पानी करा था वो इनमें छोटू पे लग गया है, बिल्कुल नहीं उभर रहे हैं और बिल्कुल शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये अगर बुरा मानेंगे तो साफ बात है मान ले, हम तो निकलते हैं भाई घर हमारे बस का नहीं है। बुरा मानेगा वो ठीक है, यहाँ इतने ताकत लगाए जा रहे हैं जैसे साबुन से नहीं घेंट रहे, चम करके ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल नहीं उखर रहे हैं। एक हाथ है तो काम ही नहीं है, बिल्कुल इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे जा रखी हैं, बहुत नीचे। ठीक है तो नहीं होगा रे। बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है हम कह रहे हैं, क्या बोलते हैं निमार तो बाहर है दूसरे भवन पर। मेहमानदारी बहुत महंगी पड़ गई है हम तो। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी और 10:30 हो गया है, बाकी वहाँ से जो आपको पेड़ दिख रहे हैं वहाँ से था ये वाला खेत और यहाँ तक, और हाथ में बिल्कुल छाले हो चुके हैं। ये जो मरछटा बोलते हैं इसको, तो इसके उसको उखाड़ने में मतलब सूखी हो रखी है ज़मीन, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बाकी अब दीदी लोगों ने चाय बना ली है तो चाय पीने चलते हैं। तो दीदी लोगों ने बनाई है यहाँ पर चाय और खेत से घर आने के बाद हमने बना दी है राजमा की दाल और अब सासू जी वहाँ पे चावल साफ कर रहे हैं, उसके बाद इस पे बनाएंगे चावल। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम यहाँ पे दीदी लोगों के घर पे आए हैं और यहाँ पे पार्लर का काम चल रहा है अभी। दोपहर को लोग सोए हुए हैं और हम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर में रील आएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, वो जरूर देखना। और अभी फिलहाल मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे दुल्हन के लुक में, और ये लहंगा दीदी का है और दीदी कह रही पहले पार्लर वाले हैं, बताओगे नहीं पार्लर के बारे में कहाँ। मम्मी मजी, मम्मी मजी, ये मम्मी मजी, मजी। तो दीदी का पार्लर, दीदी का पार्लर था पूना मरे में, है ना, मुंबई सीखा। लेकिन तू घर में फंस गए, तू घर के फंस गए, काम दाने के गांव। मम्मी, मम्मी मजी। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक जो कि दीदी का लहंगा है और दीदी ने मेरे को इस वाले लुक में तैयार करा है। तो आज पहली बार मैंने ये पिछौड़ा और लहंगा इस तरीके से पहना है, आप देख सकते हो। और बाकी जो दीदी है हमारी वो आज जिस खतरनाक वाली, और वो क्या बोलते हैं कहाँ थी, पूना, पूना में, मतलब इन्होंने सीखा था पूना से। तो सब सामान दीदी का ही है, बाकी मैं थोड़ा रील बनाई है उसमें, और आप चाहो तो मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर मेरी रील देख सकते हो, मैंने 3-4 रील डाली हुई है। और कैसा लग रहा ये वाला लुक जरूर बताना, ठीक है।